दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय राजनीति की उन प्रेम कहानियों के बारे में जो आज भी ताजी हैं। राजनीति में प्रेम के किस्से इतने मशहूर हुए कि लैला मजनू भी पीछे रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले बात राजीव गांधी और सोनिया गांधी की। ये कहानी राजीव गांधी के राजनीतिक जीवन में उतरने से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। इटली की सोनिया माइनो से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी विदेश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान मिले, प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। सोनिया आज भी अपने प्यार को दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास मानती हैं। राजीव के प्रति प्रेम और पार्टी के लिए उनका समर्पण किसी से छिपा नहीं है। दिग्विजय सिंह, अमृता राय। हालांकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और उनकी दूसरी पत्नी न्यूज एंकर अमृता राय के रिश्ते उस समय खासे चर्चा में रहे जब उनकी कुछ अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, लेकिन इसके बावजूद ये सच है कि कानूनन या सामाजिक नियमों के अनुसार उनके संबंधों में कोई गलती नहीं हुई। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दिग्विजय सिंह ने अमृता के साथ शादी की है। सचिन पायलट, सारा अब्दुल्ला। ये राजनीतिक अंतरजातीय विवाह चर्चा में इसलिए नहीं आया कि तब सचिन पायलट राजनीति में थे, बल्कि इसलिए आया क्योंकि इन दोनों लव बर्ड्स के परिवार भारतीय राजनीति के ऊंचे परिवारों में से एक है। लंदन में पढ़ाई के दौरान जब सचिन की मुलाकात सारा अब्दुल्ला से हुई तब उनके भाई उमर अब्दुल्ला भारत में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। हालांकि अब्दुल्ला परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन पायलट परिवार ने सारा को बहुत स्वीकार कर लिया। शादी के कुछ अरसे बाद जब सचिन राजनीति में उतरे तो उनके ससुर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी उन्हें अपना दामाद स्वीकार कर इस संबंध को लेकर अपनी सहमति जता दी। चांद मोहम्मद, फिजा मोहम्मद। ये शायद पूरी राजनीतिक जीवन में सक्रिय किसी शख्स की इकलौती ट्रेजेडी लव स्टोरी है जो लंबे समय तक हिंदुस्तान के मीडिया में छाई थी। अब भी जब राजनेताओं की प्रेम कहानियों का इतिहास दोहराया जाएगा, इस कहानी का जिक्र जरूर किया जाएगा। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और पेशे से वकील अनुराधा बाली को एक दूसरे से प्रेम हो गया। पहले से शादीशुदा चंद्रमोहन ने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम चांद मोहम्मद रखा और अनुराधा बन गई फिजा। इसके बाद दोनों ने शादी की। बाद में पता नहीं क्या हुआ, चांद और फिजा अलग हो गए और चांद फिर से चंद्रमोहन बन गए। पेशेवर पर्सनैलिटी बन चुकी फिजा ने कुछ टीवी शोज में काम किया और एक दिन अपने फ्लैट में रहस्यमय तरीके से मृत पाई गई। इस तरह से इस प्रेम कहानी का अंत हुआ। अखिलेश यादव, डिंपल यादव। ये राजनीति की सबसे खूबसूरत पर सबसे लो प्रोफाइल प्रेम कहानी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की लव स्टोरी किसी फिल्म जैसी है। ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे अखिलेश की मुलाकात उत्तराखंड के आर्मी परिवार की दूसरी बेटी डिंपल से लखनऊ विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में हुई। डिंपल वहां की छात्रा थी। ये मुलाकात दोस्ती में कब बदल गई दोनों को ही पता ना चला। शुरुआत में मुलायम सिंह इस रिश्ते से सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में दोनों परिवारों की इच्छा के मुताबिक अपनी सहमति भी दे दी। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। अगली बार फिर एक नए वीडियो में होगी आपसे मुलाकात।